YouTube चैनल सौरव क्लासेज में आप सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोग के लिए अंक गणित में संख्या पद्धति अभी चल रहा है, जहां तक समाप्त किए थे पॉइंट ठीक उसी जगह से आज नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने कॉपी और कलम सामने में निकाल लीजिए और नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक सूचना, जो कल हम आप लोग के लिए बिहार के परिचय का वीडियो अपलोड कर दिए थे, इसी तरह रीजनिंग का भी अपलोड किया गया है, करेंट अफेयर्स का भी अपलोड किया गया है। तो आप यह सौरभ क्लासेज हाजीपुर बाग दुल्हन में हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसके माध्यम से नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और सही समय से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई करने में आसानी। ध्यान रहे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग ज्ञात करना। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग ज्ञात करना। इसके दो पॉइंट फॉर्मूला है, ये दोनों पॉइंट फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। याद हो जाने से आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। फर्स्ट फॉर्मूला है, एक से एन तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। एक से एन तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योग, अर्थात वन के स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन के स्क्वायर इजकल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। यह फॉर्मूला हो गया धन पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालने के लिए, यह फॉर्मूला है। ध्यान रहे, अच्छे से पढ़िए और नोट करते चलिए, समझने का भी प्रयास कीजिए। एक से एन तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, अर्थात वन के स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन के स्क्वायर इजकल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। इस तरह से दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए और इसी फार्मूला के आधार पर एग्जाम्पल में क्वेश्चन देके बनवाएंगे भी, समझने का प्रयास कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट है फार्मूला, एक से एन तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। एक से एन तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। एक से एन तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, अर्थात वन के क्यूब प्लस टू के क्यूब प्लस थ्री के क्यूब प्लस फोर के क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एन के क्यूब इजकल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू के होल स्क्वायर। एन इंटू एन प्लस वन बाई टू के होल स्क्वायर। ध्यान रहे, यहाँ कह रहा है घनों का योग पूछ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला यह लागू करना है। एक से एन तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, अर्थात वन के क्यूब प्लस टू के क्यूब प्लस थ्री के क्यूब प्लस फोर के क्यूब प्लस डॉट 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 एन के क्यूब इजिकल टू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू के होल स्क्वायर। इस तरह से वन और टू फार्मूला, दो फार्मूला दिया गया है। प्रत्येक फार्मूला पे एक एक एग्जाम्पल रख के हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिए और समझने के बाद एक एक क्वेश्चन को घर में
प्रैक्टिस कीजिए। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम का एक एक पॉइंट छूट ना जाए इसके लिए आप यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ध्यान दीजिए, फर्स्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, 1k² + 2k² + 3k² + 4k² + ... 80k² का योग ज्ञात कीजिए। 1k² + 2k² + 3k² + 4k² + ... 80k² का योग ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है। ये फर्स्ट जो फॉर्मूला बताया है n(n+1)(2n+1)/6, इसी पे एग्जांपल दिया गया है, समझिए बनाने के लिए। 1k² + 2k² + 3k² + 4k² + ... 80k² = यहाँ n का वैल्यू क्या है, 80 है, क्या है, 80 है। तो 80 × 80+1 × दिया हुआ ना 2n+1, तो 2 × n का मान कितना है, 80, तो 2 × 80+1 / 6। अब ध्यान दीजिए, ये 80 है तो 80 × 80 में एक जोड़े तो 81, 80 में 2 से गुना करेंगे तो 160 और +1/6। ध्यान दीजिए, 80 × 81 और 160 में एक जोड़ दीजिए कितना हो गया, 161/6। ये कटेगा 3 × 6 = 40 × 80, 3 × 6 = 40 × 80 कट गया, बचा 3। अब 3 से फिर 81 को काटिए तो 27 बार में 81 कट जाएगा, बचा है कितना, 161। अब आपको सबको आपस में गुना कर दीजिए तो 40 × 27 × 161 सबको गुना करने पर आपको 17 × 38 = 80 अंक प्राप्त हो रहा है। 17 × 38 = 80 यही आपका योग प्राप्त हुआ। इस तरह से घर में प्रैक्टिस कीजिए, एक एक क्वेश्चन को 2 बार 4 बार बनाने से क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी कंसेप्ट जो है वह क्लियर हो जाएगा। इस टाइप की क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आपको आसान होगा एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को हल करने में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर फॉर्मूला पे दिया गया है, ठीक उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाइएगा। क्या बताए थे, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, क्या बताए थे, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग पूछ रहा है। इसके लिए फॉर्मूला था n(n+1)/2k² तो क्वेश्चन है 1k³ + 2k³ + 3k³ + 4k³ + ... 90k³ के योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए तो 1k³ + 2k³ + 3k³ + 4k³ ... 90k³। ध्यान है इसके लिए क्या फॉर्मूला है, n(n+1)/2k² n की वैल्यू यहाँ कितना है, 90 है, कितना है, 90, यानी 90 × 90+1/2k² अब ध्यान दीजिए, 90 × 90 में एक जोड़े तो कितना आ गया, 91, यानी 90 × 91/2 यानी 45 × 90। अब 45 × 90 कट गया तो 45 और 91 को आपस में गुना करते हैं, 45 और 91 को आपस में गुना करके उसका जब स्क्वायर निकालते आता है 16 × 76 = 90 = 25। यह आपका योग प्राप्त हुआ, 16 × 76 = 90 = 25 यही आपका योग प्राप्त हुआ। इस संख्याओं के वर्गों एवं
घनों को योग ज्ञात करना, यह टाइप अभी चल रहा है, आपका टाइप इस कोई टाइप छूट न जाए, इसके लिए सौरव क्लासेज मैथ्स एंड रीजनिंग हाजीपुर यह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और जब सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन सही समय से जाएगा और इस तरह से आप घर बैठे YouTube चैनल के माध्यम से, सौरभ क्लासेज के माध्यम से आपकी तैयारी पूर्ण होगी और आप एक समय आएगा तो आप कंपटीशन एग्जाम में सफल होइएगा और एक गवर्नमेंट जॉब में आप अपना स्थान प्राप्त कीजिएगा। तो आज तक इतना ही पॉइंट, यही पॉइंट तक समाप्त किया जा रहा है बातों को। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ का वीडियो नेक्स्ट जहां पे पॉइंट समाप्त किए हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।